अभिषेक हो सकता है। यदि महालक्ष्मी जी का मधु से अभिषेक किया जाए तो इससे अतुल मात्रा में धन लाभ भी होता है और यश और कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। आइए हम महालक्ष्मी जी का दूध और मधु मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं। दर्शकों, महालक्ष्मी जी का अभिषेक करते समय, किसी भी भगवान का अभिषेक करते समय उस भगवान का मन में निरंतर नाम लेते रहना चाहिए या फिर उनका जाप करते रहना चाहिए। आइए हम अभिषेक की शुरुआत करते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमान भगामिनीं यस्याम हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपहव्ये श्रीमा देवी दूकताम काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकारा माद्राम जलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपहव्ये श्रियं चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतिम श्रियं लोके देवजिताम ताम पद्मिनीनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण शतां त्वां गुणे आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षो दबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्धराजा सबाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवतकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्तु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे शुक्तिपा सामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वं निर्णुत मे गृहात् नन्दद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां धरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्ये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेना प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आर्द्रां भुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां यरकरणीं यतिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमान भगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्युष्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजमर्वहम् सुक्तं पञ्चदशर्जं च श्रीकामः सततं जपेत् ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमो नमः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी जी का अभिषेक पूरा होने के बाद जो हमने अभिषेक किया है उस पात्र में से थोड़े फूल उनको ऐसे लेने हैं, ऐसे लेने कर फूल ऐसे लेकर दोनों आँख दोनों कान और मस्तक से ऐसे लगाकर ऐसे सुनकर हमें उसको विसर्जन करना है एक अलग से पात्र में